हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट को रेडी कर लेते हैं, है ना। तो हमने करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये सिंपल नीडिंग मशीन का ब्यूटीफुल पैटर्न है और यहाँ पर धागा मेरे पास अभी जो है 2 प्लाई का है और बेबी रेम्बो का है, ठीक है ना। तो चलिए अभी मैंने 0 से यहाँ पर क्लियर करती हूँ फंदे मेरे जो है। आप जो है हेड के अकॉर्डिंग ही फंदे आपने इसमें डालने होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने जो है 70 फंदों को डाल दिया है और नेक का बॉर्डर जो है अपनी इच्छा अनुसार आप जो है बना सकते हो। आप चाहे तो 2 कलर का पैटर्न भी बना सकते हो, आप चाहे तो प्लेन भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पर कुछ रो ले ली है मैंने, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर बॉर्डर फोल्ड हो जाएगा। चलिए बहुत इजी से स्टेप में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। फंदे पहले हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, फिर मैं आपको नॉलेज देती हूँ। ये स्ट्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर लेती हूँ। हम 2 टाइप से बना सकते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप से बनाने के लिए हमने क्या करना है यहाँ पर। नंबर 1, आप इसे मतलब यहाँ देखिए हेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप फंदे जो चढ़ेंगे, नंबर 1 क्लियर करती हूँ। नंबर 2, राइट एंड लेफ्ट से फंदा जो है, अगर आप घेरा ज़्यादा चाहते हैं तो 4 रो में, नहीं तो आप 8 रो में एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाएगी इस वाली साइड से, ठीक है। तो साथ में मैं आपको बताती हूँ 2 टाइप से कैसे। या तो 2 पीस बना लीजिए राइट एंड लेफ्ट के और बीच से अरे परे का एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाएंगे तो 130, ठीक है। और 130 फंदे आप यहाँ पर भी होने चाहिए और राइट में भी लेफ्ट में भी। आप चाहो तो 120 भी रख सकते हो, यानी 120, ठीक है। तो चलिए बहुत इजी से स्टेप में बताने जा रही हूँ। करना क्या है हमने यहाँ पर, फिर अगर आपने चाहो तो आप यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ कि पोंचो रहने दे, या तो आप पोंचो टॉप बना सकते हो। पोंचो टॉप बनाने के लिए आपने ऑलरेडी बॉर्डर बना देना है, हाफ हाफ को आपने स्टिच कर लेना है, है ना। इजी सा पैटर्न। तो ये जो है मुझे कब से जो है पिक जो है शेयर की गई थी कि इस तरह का जो है कुछ टॉप या पोंचो बता दीजिए, तो आज मुझे जो है थोड़ा वक्त मिल गया था, नहीं तो मेरे पास वक्त की कमी होती है। तो चलिए आज सोचा कि मेरे सभी सब्सक्राइब जो अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, मेरे साथ बहुत सारी बहनें जुड़ी है, तो बहुत दिल से धन्यवाद। तो चलिए मैं आज इसे स्टार्ट करती हूँ कि जो फंदे आपने हेड के अकॉर्डिंग ही डालने हैं, ठीक है। अगेन रिपीट कर रही हूँ। तो करना क्या है, मैंने एक एक फंदा राइट एंड लेफ्ट से, ठीक है। घेरा ज़्यादा चाहिए तो आप 4 रो के बाद, नहीं तो मैं यहाँ पर जो है 8 रो के बाद कर रही हूँ, है ना। आपने 8 रो यानी 16 रो के बाद धागा चेंज करते हुए जाइए और फिर मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट में कितने फंदे हमारे पास होने चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जो है 2 कलर का यूज़ किया है। साथ में मैं आपको बता रही हूँ सिंपल नीडिंग वाली जो भी चीज़ है कलरफुल 3-4 कलर, ज़रूरी नहीं कि आप 2 कलर, ठीक है। अगर आप चाहते धारी धारी नहीं बनाना है अगर आपने यहाँ से, तो आप प्लान भी कर सकते हो, ठीक है। और टॉप में मैंने कहा कि जितना ज़्यादा लास्ट में घेरा आएगा उतना अच्छा बनेगा, तो आप 120 भी रख सकते हो और 130 भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 110 रखे हुए हैं। अब मैंने करना क्या है, यहाँ पर सभी को मैं जो है लेस कर दूँगी। उसके बाद जो है मैं आपको इजी से स्टेप बताने जा रही हूँ। पहले हम जो है लेस कर लेते हैं, है ना। ये आसान सा है, सिर्फ आपने क्या करना है, न्यू बिगिनर है जो इसे ईजी से बना सकता है। प्लान तो बनाना है हमने, है ना। लाइक हमने आर्म की तरह बढ़ाते हुए जाना है, जैसे बाजुएँ बनती है हमारी, चाय पजामी बनती है हमारे, है ना। तो इस तरह से पूरे को लेस कर लो, फिर मैं आपको दिखाती हूँ करना क्या है नेक्स्ट में। और देखिए मैंने लेस कर दिया ना पूरा का पूरा। अब करना क्या है हमने, अब यहाँ से इस वाली साइड से हमने फंदों को उठाना है ना। तो जितने ज़्यादा फंदे उठाएंगे उतने ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर उठा लेती हूँ, फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ कि कितने से कितने तक। तो मैं यहाँ पर उठा रही हूँ इस तरह से पूरा, आपने कहा था लास्ट स्टेप, ये पूरे फंदे उठा लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ इसको। ये स्ट्रेंड्स इस तरह से मैंने सारे फंदे उठा लिए। तो आप चाहो तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस दे रही हूँ 1 पिन का, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, आप पिन का जो है यहाँ पर डिस्टेंस चाहे आप रखो चाहे ना रखो, प्लान भी कर सकते हो, पर मुझे इस तरह का अच्छा लगा ना, तो मैंने सोचा मैं इस तरह से ही बनाऊं। तो करना क्या है हमने, मैं आपको कैरिज दिखा लेती हूँ ना। ये पीछे वाले पीछे रहेंगे और हमने करना क्या है, ये बटन यहाँ कर लेना है और जो सिंपल निटिंग वाली है उन्होंने नोक को पीछे की ओर करना है,
और अब हमने यहाँ से अभी मेरे पास यहाँ से मैंने हर बारी में दो दो फंदों को लास्ट तक नीट करते हुए जाना है इस तरह से। इस तरह से सारे फंदों को हर बारी में यहाँ तक लाइए, ठीक है। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तक आ गई हूँ ना मैं। अब मैंने करना क्या है, सारे मैं रिपीट कर लेती हूँ कि सारे फंदे मैंने निकाल दिए इस तरह से, वहाँ से कम यहाँ से ज़्यादा पोर्शन आ गया। अब मैंने यहाँ से बैक करते हुए जाना है सेम ऐसे जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, और ऐसे पैटर्न मैंने आप साथ कई बार शेयर किए हुए हैं। अब ये सारे के सारे हैं ना, अब ये लास्ट तक हमारे इस तरह से होते जाएंगे, बैक होते जाएंगे, ठीक है। तो ये दो ही स्टेप का बहुत प्यारा पैटर्न है। तो चलिए यहाँ लास्ट तक आ जाइए, यहाँ तक है ना, फिर मैं आपको बताती हूँ फिर आगे क्या करना है। इस तरह की शेप का आ गया है ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। साथ में क्लियर कर रही हूँ कि यदि आपको ये ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट आता है तो आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। आपका भी इसमें जो पोंचो के साथ साथ टॉप और स्कर्ट रेडी होते हैं। करना क्या है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ना टू पीस यहाँ पर बनाने, वन पीस मैंने बना दिया है, तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह की शेप का आ जाएगा। और नेक्स्ट भाग का आप इंतज़ार कीजिए, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, आप स्क्रिप करोगे। और अभी आप फ़िलहाल टू पीस बना दीजिए, फिर मैं आपको बॉर्डर बाजू वगैरह एवरीथिंग क्लियर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।